हाय, क्या आप भी क्वालिटी डॉक्यूमेंट सीखना चाहते हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट में अपना सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं? देन दिस इज़ द बेस्ट कोर्स फॉर यू। वी हैव 7 मॉड्यूल्स, SPC, MSA, FMEA, PPAP, APQP, 7QC टूल एंड ग्लोबल 80 विथ लेटेस्ट रिविजन लेवल, जैसे FMEA का AIG प्लस VDA फर्स्ट एडिशन जो कि जून 2019 में रिलीज हुआ। इस तरीके से 7 मॉड्यूल्स हैं और 40 प्लस टॉपिक कवर्ड हैं। इस कोर्स में आपको 13 प्लस घंटे का वीडियो कंटेंट मिलेगा और साथ में ही 220 प्लस पेजेस की एक ईबुक मिलेगी। इसमें आपको इंस्टेंट वीडियो मिलेगी जो कि आप लाइफ टाइम जितनी मर्जी बार रिप्ले करके देखना चाहे देख सकते हैं, ताकि लाइफ में कभी भी आप इन वीडियो को देखकर अपना डाउट क्लियर कर पाए। और साथ ही आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस कोर्स की लैंग्वेज हिंदी में है ताकि आप इसे इजिली सीख पाए। मार्केट में लोग सेम कोर्स की कीमत 20,000 से 30,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं सिर्फ 375 रुपये में। और साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करना ना भूले। थैंक यू सो मच। आई ज्वाइन एडवांस कोर्स बुक, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी एंड आई रिकमेंड इट टू ऑल द पीपल, इट इज़ वेरी नॉलेजेबल। थैंक यू। आई परचेज एडवांस कोर्स ई बुक, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, नाउ आई एम क्लियर माई SPC कॉन्सेप्ट्स। थैंक्स। Hello everyone, this side Vinay. I appreciate your effort Pankaj sir. Your advanced course is best and lots of knowledge and a very simple language with example in a book. And I recommend it to all of you. Please join the advanced course. Thank you. Post COVID-19 plant restart plan. तो जो कोरोना वायरस के बाद में जो हमारे प्लांट को जो स्टार्ट करने का जो प्लान है, उसके लिए जितनी भी हमारी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं और जो भी मारुति से कंसर्न है, मारुति सुजुकी से कंसर्न है और भी अदर जितनी भी MNC कंपनी से कंसर्न है, वो सब कुछ कोरोना वायरस के बाद में जो हम कंपनी को चालू करें तो उसको हम कैसे कैसे ध्यान में रखें, कौन कौन से रूल रेगुलेशन को फॉलो करें, उसके लिए सबकी एक PPT की रिक्वायरमेंट है। तो ये PPT मैं आपको अवेलेबल करूँगा। इस PPT को लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और लिख सकते हैं कोरोना वायरस की मेरे को PPT चाहिए, तो मैं आपको ये PPT और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मैं अवेलेबल कर दूंगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस PPT के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको एक बेसिक आपको समझा देता हूँ, तो ताकि आप आसानी से इसको समझ भी सकें और जो अपने कस्टमर को उनके रिक्वायरमेंट को पूरा भी कर सकें। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि ये देखा, इसके अंदर मैं आपको सिंपली बता दूं, ये जो मैं आपको PPT प्रोवाइड करूंगा तो यहाँ पर जो ये लोगो है, इस लोगो को आप इजीली डिलीट कर सकते हैं और अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने AQA ट्रेनिंग्स लिखे हुआ है, आप अपनी कंपनी का नाम दे सकते हैं यहाँ पर, AQA ट्रेनिंग्स COVID-19 प्लांट रिस्टार्ट रिक्वायरमेंट। तो ये हमारा PPT का पहला पेज है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, जो हमारे रिस्टार्ट WHO रिकमेंडेशन, WHO की क्या रिकमेंडेशन, WHO हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO है शेयर द सोर्स मींस एंड हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम COVID-19। COVID-19 से हमें कैसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, जैसे क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं, कौन से सोर्स हैं COVID-19 के क्लोज कॉन्टैक्ट, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड, कॉमनली टच सरफेस, हैंड टचिंग, आइस, रेस्पिरेशन, कफिंग, स्नीजिंग, इस तरीके से हमारा कोरोना वायरस फैलता है। और उसके लिए हम क्या क्या हमने PPT के अंदर स्लाइड्स लगाई हैं, वो स्लाइड्स के नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। टेम्परेचर स्क्रीनिंग करेंगे, इमरजेंसी रिस्पॉन्स करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे, डिसइनफेक्शन ऑफ कॉमनली टच सरफेस करेंगे, हम क्लीनिंग हैंड सोप, ये सब कुछ करेंगे। तो ये सब को हमारे PPT अपने कस्टमर को देना है। तो यहाँ पर आपको ये लोगो हटाना है और अपनी कंपनी का लोगो लगाना है। इसके बाद जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ है, तो टेम्परेचर स्क्रीनिंग के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर स्क्रीनिंग है, कुछ चेक पॉइंट है, ऑल एम्प्लॉय यूज़ द फेस मास्क, जितने भी कंपनी के अंदर जितने एम्प्लॉयज आएंगे वो फेस मास्क को लगाएंगे, उसका हम टेम्परेचर चेक करेंगे, एम्प्लॉय की हम अटेंडेंस करेंगे और एम्प्लॉय मूव ऑन लाइन मार्क। तो एम्प्लॉय के जो अटेंडेंस, यहाँ पर हम अटेंडेंस लिखेंगे, अब अटेंडेंस शीट को हमने मॉडिफाइड कर दिया कोरोना वायरस के लिए, अटेंडेंस शीट के अंदर ही हम उसका टेम्परेचर भी, जो बंदा आया उसका टेम्परेचर भी हम चेक कर लेंगे। और अटेंडेंस पहले हमारा जो है थंब के थ्रू होती थी, या फिर कई कंपनियों के अंदर मशीन से भी होती थी, कईयों के अंदर जो हमारा आई कार्ड है, आई कार्ड के थ्रू भी हो जाता है, बट वो सब कुछ को छोड़कर हमने यहाँ पर टेम्परेचर को मैं चेक करवाने के लिए हमने यहाँ पर अटेंडेंस शीट एक बना दी है। अटेंडेंस शीट के अंदर हम उस बंदे का टेम्परेचर भी चेक कर लेंगे जो भी हमारा एम्प्लॉयज़ है, तो टेम्परेचर यहाँ पर लिख लिया जाएगा और यहाँ पर ही उसकी अटेंडेंस भी लगा ली जाएगी। और ये हमने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फ्लोर के ऊपर मार्क लगा दिए हैं। इस तरीके से आपको मार्किंग, अगर आपने नहीं करी है तो ये मार्किंग आप फॉलो करें अपनी कंपनी के अंदर, ये मार्क पर इतनी इतनी दूरी पर लोग खड़े होंगे और उनका
चेक करेंगे, आप टेम्परेचर चेक करके शीट के अंदर भरना है। इस तरीके से आपको ये कुछ स्लाइड बनानी है। इस स्लाइड के अंदर आप अपनी कंपनी का दरवाजे का लगा सकते हैं, कंपनी में आपके जो गार्ड या जो भी बंदा चेक कर रहा है उसका लगा सकते हैं। तो अपने कंपनी की फ़ोटो लगाएंगे और कंपनी के आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक रेफरेंस है आपके लिए। इसके बाद ये हमने एक SOP बनाई है कंपनी के अंदर आने के लिए, एक SOP बनाई हुई है। इस SOP के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी कंपनी का लोगो लगाना है और अपने कस्टमर को भेज देना है। और हमने अपने कई जगह पे हमने कंपनी में इम्प्लीमेंट भी करवाया, वो अपना SOP को उन्होंने अपने गेट पे भी लगाया और कंपनी में अलग अलग जगह पे लगाया। आप इसको अपनी कंपनी के अंदर भी प्रिंट करवा के लगवा सकते हैं बड़े चार्ट के अंदर। जैसे इसमें लिखा हुआ है कंपनी के आने के लिए सामाजिक दूरी को हमें कैसे फॉलो करेंगे, किसी भी मीन से हम कंपनी में आएंगे तो गेट से आते समय हमें मास्क का इस्तेमाल करना है, फर्स्ट फ्लोर बनाए गए निशान पर हमें खड़ा होना है और आपस में 2 मीटर की दूरी सुनिश्चित करनी है, गार्ड से अपना बॉडी का टेम्परेचर चेक करवाना है, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है तो व्यक्ति को घर भेजें, ESI भेजें या फिर किसी भी हॉस्पिटल, जो हमारी कंपनी ने रेफरेंस दे रखा है तो उस कंपनी ने जो होटल हॉस्पिटल से जो रेफरेंस लिया है उस हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र करना है और किसी भी चीज़ को छूने से पहले हैंड सैनिटाइज़र करें, गार्ड से रजिस्टर में अटेंडेंस लगवाए, स्प्रे टनल से होकर निकले, उसके बाद हमें कंपनी के अंदर जाना है। तो ये इस तरीके से आप एक बना सकते हैं, ये बना बनाया बस खाली आप कंपनी का लोगो लगाएं और अपने कस्टमर को भेजें। इसके बाद हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या करा है शो फ्लोर के ऊपर, जैसे के लिए जैसे हमारा स्टाफ बैठता था इस सीट के ऊपर, तो पहले हमारा स्टाफ इस तरीके से बैठता था, अब हम एक स्टाफ को एक बंदा बीच में से हटा देंगे, एक चेयर हटा देंगे तो इनके बीच में सोशल डिस्टेंस बन जाएगा। जैसा कि अभी की रिक्वायरमेंट 33% है, तो किसी कंपनी की कंपनी जिसके अंदर 200 बंदे काम करते हैं तो 33% के हिसाब से लगभग 74% की उन्होंने अभी गवर्नमेंट से अपनी वो ली है, अप्रूवल लिया है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं आप। इसके बाद जैसे कि ये लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग, पहले कॉन्फ्रेंस रूम था तो आपके यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम हो सकता है, इसके अलावा आपके मीटिंग रूम अलग से हो सकते हैं, इसके अलावा आपके कैंटीन हो सकते हैं, या फिर जहाँ पर भी आप लोग ऐसे बैठते हैं तो पहले इस तरीके से बैठते थे, आप इस तरीके से टेपिंग लगा सकते हैं, टेप करके उनके बीच में सोशल डिस्टेंस कर सकते हैं, इसको एक्चुअल में आप करें और कोरोना वायरस से बचें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग एट शो फ्लोर, यहाँ पर भी आपकी मशीनें, उन मशीनों के ऊपर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने मशीनों के लिए यहाँ पर लाइन मार्क लगा दिया, अब इस लाइन मार्क के अंदर कोई और बंदा नहीं जाएगा, सिर्फ ऑपरेटर यहाँ पर खड़ा रहेगा। इस तरीके से हो गया। और ये भी हमारी कुछ स्लाइड्स हैं, आप स्लाइड्स को आप देख लेना जब आपको PPT मिल जाएगी। इसके अलावा डिसइनफिकेशन ऑफ कॉमनली टच सरफेस, जो भी हमारी कंपनी के अंदर कॉमन टच सरफेस है जिसको हम छूते हैं, उनके लिए भी हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे एंट्रेंस एक्सिट गेट के हम डिसइनफिकेशन कब करेंगे, हम डेली एक बार भी कर सकते हैं, डेली दो बार भी कर सकते हैं, जैसे भी करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी हमें लिखनी होगी अलग अलग। जैसे CNC एरिया पर शिफ्ट में हम करेंगे, अगर 2 शिफ्टें लगनी है, अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट ने 1 शिफ्ट अलाउ कर रखी है तो अभी हमने पर शिफ्ट कर दिया है, नाइट शिफ्ट लग रही है तो नाइट में भी कर सकते हैं, 3 शिफ्टें लग रही हैं 3 शिफ्टों में हम उसको कर रहे हैं। तो ये हमारी कंपनी के जो मैनेजमेंट जो हमारे को बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे को एक प्लान बनाना होगा, वो हमारे को अपने कस्टमर को भी भेजना होगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा डिसीजन है कॉमन टच सरफेस। इसके अलावा हमारी जो गाड़ियों से जो माल आता है, कस्टमर्स को हम माल जो भेज रहे हैं या फिर हमारे सप्लायर से जो माल आ रहा है, तो वो जो गाड़ी हमारी कंपनी के अंदर आएगी और जाएगी तो व्हीकल डिसीजन है चेक शीट, ये भी हमारे को बनानी है, जिसके अंदर हम डेट लिखेंगे, व्हीकल का नेम नंबर लिखेंगे, कब गई, कौन सी जगह गई, कब वापस आई, और उसको फिर हमारे को डिसइनफिकेशन करना है। तो इस तरीके से एक चेक शीट हम बना सकते हैं, ये चेक शीट मैं आपको दूंगा साथ में, ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, तो ये आपको करने हैं। इसके अलावा टूल एंड इंस्ट्रूमेंट डिसइनफिकेशन, जो भी हमारे कंपनी के अंदर जो टूल वूल यूज़ हो रहे हैं तो उसके भी डिसइनफिकेशन करनी है। तो आपकी कंपनी के अंदर जो मशीन चेक शीट होगी तो उसके अंदर आप ये 2 पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हमने एक जगह ऐड करवाया है, मशीन पर कार्य करने से पहले मशीन को सैनिटाइजर करना, ये पॉइंट हमने यहाँ पर ऐड करवा दिया है, और चेक करने के उपकरण टूल्स को सैनिटाइजर करना, जैसे कि मशीन के ऊपर मशीन के इस सरफेस को छूता है तो इसको ये सैनिटाइजर कर रहा है ऑपरेटर, ये आपको करवाना है, ये चेक पॉइंट पर भी आपको डालना है और इसको आप डेली चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी गेज जिस इंस्ट्रूमेंट ये यूज़ कर रहे हैं उसको भी सैनिटाइजर करना है, तो ये भी हमने एक चेक पॉइंट डलवा दिया है, आप ये सब कुछ करवा सकते हैं। और इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर एट गेट एंट्री, इस तरीके से आपको ये PPT में मिल ही रहा है, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, ये आपके रेफरेंस से काम आएगा। और अगर 3 टैब है तो उसके बीच में हमने एक टैब को क्लोज कर दिया है ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे, बार बार हाथ हमारे को धोने हैं, पहले हम लोग इस तरीके से करते थे, अब हमारे कोनी से अपना छींकते टाइम पे हमने सेफ्टी करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बताया था क्रॉस करके ये सब कुछ लगाया है। और हमारे को अपनी कंपनी में ट्रेनिंग भी देनी है COVID-19 की, चाहे छोटी कंपनी चाहे बड़ी कंपनी है, पर सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को कोरोना वायरस की आपको एक ट्रेनिंग देनी है और ट्रेनिंग एविडेंस भी आपको अपने कस्टमर को देना है।
क्योंकि एक सारे के सारे कस्टमरों की यही सेम रिक्वायरमेंट है। ये पीपीटी एक कॉमन पीपीटी है, ये पीपीटी हर जगह चल जाएगी, बस आपको अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर देने हैं। न्यू 5S पॉलिसी एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड, 5S जो हमारा सोर्स अटेंड और शाइन स्टैंडर्डाइज सेल्फ डिसिप्लिन था वही रहेगा। ये बस खाली एक कोरोना के लिए हमने समझने के लिए एक 5S बना दिया। जैसे कि 1S के अंदर हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, 2S में सेफ्टी पीपी, 3S सैनिटाइजेशन, 4S सेल्फ डिसोलेशन, 5S सेल्फ डिसिप्लिन, ये हमने इस तरीके से बना दिया। और ट्रेनिंग रिकॉर्ड जो हम बनाएंगे, ट्रेनिंग जो देंगे उसका रिकॉर्ड हम यहाँ पर लगा सकते हैं इस पीपीटी के अंदर। एमरजेंसी रिस्पॉन्स, अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है, किसी बंदी की तबीयत खराब होती तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ तो हम अपने कंपनी के अंदर ही एक बेड लगा सकते हैं, या फिर हमारे को अगर हम ईएसआई भेजना है तो ईएसआई भेज सकते हैं, या जो भी हॉस्पिटल है हम वहाँ पर उसको भेजेंगे। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और भी ये पीपीई किट जिनके लिए भी यूज़फुल है उन सब के लगा सकते हैं। और क्या क्या हमारे पास है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम फैसिलिटी एंड वॉल्यूम फॉर एक्यूवी ट्रेनिंग, मतलब हमारे पास ग्लव्स कितने हैं, सैनिटाइजर कितने हैं, और भी डिसइंफेक्टेंट कितने हैं, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर कितने हैं, स्प्रे इक्विपमेंट्स कितने हैं हमारे पास, गॉगल्स कितने हैं, ग्लव्स कितने हैं, ये सब कुछ भी हमारे कस्टमर मान सकते हैं। तो ये भी एक हमने पीपीटी में इसको ऐड कर देना है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको देनी है। ये तो हमारी होगी पीपीटी जो मैं आपको देऊँगा। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख सकते हैं कि हमारे को पीपीटी और चेकशीट दें COVID-19 की। इसके बाद है हमारी ये कुछ चेक शीट्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी एक प्लांट डिसइंफेक्शन चेक शीट है, जिसके अंदर के हमारी एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि हम कब कब डिसइंफेक्शन करेंगे, तो ए बी शिफ्ट के अंदर करेंगे। तो इस तरीके से ये हमने प्लांट डिसइंफेक्शन चेक शीट बना रखी है। हमने यहाँ पर ये सिर्फ 15 दिन की बनाई है, ये अलग से 15 दिन की है। इस तरीके से आपको चेक शीट लगानी है ताकि इसे इंश्योर हो कि आपने कंपनी के अंदर डिसइंफेक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तो चेकशीट के अंदर ये मॉनिटर हो जाएगा, इसके अलावा आप कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर सकेंगे। इसके अलावा इस टाइम पे जो भी ऑडिट होगी वो आपके कोरोना वायरस को भी चेक करेंगे, तो कोरोना वायरस के डॉक्यूमेंट के काम पे भी आएगा ये। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको फिल भी करना है और अपनी कंपनी में फॉलो भी करना है। इसके अलावा ये रिक्वायर्ड पीपीई स्टॉक, कितना पीपीई स्टॉक रिक्वायर्ड है, कितना आपके पास है, ये सब आपको रिकॉर्ड मेंटेन भी करके रखना है और इनको पूरा भी करना है। ये आपके जो परचेजर है उसके पास ये शीट होनी चाहिए। WI फॉर थर्मामीटर, थर्मामीटर का यूज़ करने के लिए एक WI भी आपको बनानी होती है, वो WI भी होनी चाहिए। सबसे पहले थर्मामीटर को ऑन करें, इसके बाद टेम्परेचर को सेट करें। इसके अंदर कुछ भी अगर आपको पॉइंट्स अपना ऐड करना हो या हटाना हो आप अपनी मर्जी से हटा सकते हैं। तो ये कॉमन एक था, आप इस तरीके से लगा सकते हैं, या आप अपने फॉर्मेट के अंदर इस जो इसमें पॉइंट्स दिए हैं उसको आप ले सकते हैं। यहाँ से अगर आप को यह लोगो हटाना, लोगो हटा के अपनी कंपनी का लोगो लगाएं, अपनी कंपनी का डॉक्यूमेंट नंबर, रिवीजन नंबर, इफेक्टिव डेट लिखें और इस तरीके से आप इसको अपनी कंपनी में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हेल्थ एंड अटेंडेंस शीट है, जिसके अंदर आप सीरियल नंबर, डेट, नेम, डिपार्टमेंट, बॉडी टेम्परेचर इसके अंदर लिखाया है, फेस मास्क लगा है कि नहीं लगाया है, ये भी साथ साथ आपका चेक हो जाएगा टाइम इन टाइम आउट। तो ये आप अपने गार्ड को दे सकते हैं, गार्ड इसकी मॉनिटरिंग करेगा। तो इसमें साथ साथ आपका बॉडी टेम्परेचर भी चेक हो जाएगा और उसने फेस मास्क लगाया कि नहीं लगाया ये भी साथ साथ हो जाएगा। तो ये आपको अपने कंपनी के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। व्हीकल चेक शीट, व्हीकल चेक शीट के अंदर डेट लिखी हुई है, व्हीकल नेम, नंबर, आउट टाइम, आउट प्लेस, इन टाइम कब हुआ और उसको डिस्टेंसिंग करी कि नहीं करी जब वो कंपनी में आई वापस गाड़ी, तो ये भी सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पर ड्राइवर के साथ साइन करवाएंगे, ये शीट भी आप अपनी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मशीन चेक शीट हो गई, मशीन चेक शीट के अंदर जैसे आपकी कॉमनली मशीन चेक शीट जो भी आपने बनाई होगी उसके अंदर आपने ये दो पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये दो पॉइंट ऐड करे हैं, मशीन पर कार्य करने से पहले मशीन को सैनिटाइजर करना है और चेक करने वाले उपकरण और टूल्स को सैनिटाइजर करना है, तो ये दो पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये पीपीटी और जो ये हमने आपको एक्सेल की जो शीट दिखाई है, शीट है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर से मैं आपको आपके मोबाइल नंबर पे आपको ये सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप अपने कंप्यूटर में अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनके कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आप मेरे को मैसेज करें और इन डॉक्यूमेंट्स को लें और अपनी कंपनी में अप्लाई करें।